हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और सुरक्षित होंगे। वीडियो के टॉपिक से आपको पता चल गया होगा कि ये जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे है। जो भी मेरे वीडियोस हैं क्लॉड डायपर पे, उस पर आप इतने सारे क्वेरीज डालते हो अपने, उसमें से जो क्वेरीज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है वो क्वेरीज उठा के उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाती हूँ, ताकि जो क्वेरी आप पूछते हो वो क्वेरी आपकी अच्छे से रिजॉल्व हो जाए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि कितने सारे क्लॉड डायपर हम दिन में यूज़ करें ताकि हमें डिस्पोजेबल डायपर्स यूज़ करने का ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर आपको ये देना चाहती हूँ कि मैं मोस्टली क्लॉड डायपर ही यूज़ करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं डिस्पोजेबल डायपर भी यूज़ करती हूँ। नॉट एवरी डे, नॉट एवरी टाइम, बट समटाइम्स। वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए आए हो तो मैं आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम प्रिया है और मैं प्रोडक्ट रिव्यूज़, फूड रेसिपीज़, ट्रैवल व्लॉग्स, ये सारी चीज़ों पर वीडियोज़ बनाती हूँ। तो मेक श्योर कि आप वो सारे वीडियोज़ ज़रूर चेक करें। अगर आप सिर्फ क्लॉड डायपर रिलेटेड अगर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे व्लॉग्स को भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको कितने सारे क्लॉड डायपर्स अपने पास रखने चाहिए, ताकि आपकी बेबी का जो भी डायपरिंग टाइम हो वो अच्छा हो एंड हाइजीनिक हो। चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। साल की हो चुकी है और अभी तक मैंने जो क्लॉड डायपर स्टार्ट किया था यूज़ करना, वो मैंने स्टार्ट किया था जब वो 5 महीने की थी। तो 5 महीने से 2 साल का सफ़र कैसा रहा, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और मैं यहाँ पे न्यू बॉर्न से लेके 2 साल तक के बच्चे के लिए आप कितने सारे क्लॉड डायपर यूज़ कर सकते हो, उन सब के बारे में बात करेंगे। क्लॉड डायपर है उसको 2 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर रही हूँ। एक है डे डायपर जिसको कि आप दिन में यूज़ करते हो, और एक है नाइट डायपर जो कि आप रात में यूज़ करते हो। जो डे डायपर होता है हमेशा लाइट वेट होना चाहिए, लाइक वो बल्की नहीं होना चाहिए। और अगर बच्चे खेल रहे हो या क्रॉल कर रहे हो या फिर पहन के लाइक दे आर जस्ट सिटिंग, तो उनके लिए जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। डिस्पोजेबल डायपर जो है यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्लिम होता है, बहुत स्लीक होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी मदर्स हैं जो कि डिस्पोजेबल डायपर्स पहनाना अपनी बेबी को प्रेफर करते हैं। लेकिन आप क्लॉड डायपर्स में भी ये कर सकते हैं अगर आप अपने क्लॉड डायपर को स्लीक एंड स्लिम रखते हैं। तो दिन में अगर आपको यूज़ करना है तो दिन के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 1 सोकर यूज़ करेंगे। ये 2 से 3 घंटे मोस्टली चल जाता है, क्योंकि बच्चा दिन के टाइम में एक्टिव होता है, तो उसके लिए आपको अपने बेबी को डायपर फ्री टाइम भी देना होता है। 2 डायपर यूज़ करने के बीच में आपको कम से कम 30 to 40 मिनट्स का जो डायपर टाइम होता है, डायपर फ्री टाइम होता है, वो आपको देना ही चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप उससे भी ज़्यादा दे सकते हो तो ये और अच्छी बात है। तो अब हम बात करेंगे अबाउट नाइट टाइम डायपर। आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे ये आउटर कवर जो होता है ये सेम होता है, जो सोकर होता है ये भी सेम होता है। नाइट में जो एक एक्स्ट्रा जो चीज़ ऐड की जाती है इसमें, दैट इज़ बूस्टर। तो एक बूस्टर आता है जिसको कि आप सोकर में अटैच करके एंड आप वो यूज़ कर सकते हैं। जो ब्रांड है क्लॉड डायपर की, वो क्लेम करती है कि अप टू 10 आवर्स एक्चुअली जो है ये चल जाता है। मेरे पास टोटल 7 क्लॉड डायपर्स हैं और इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी, ताकि आपको मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊँ ओवर माई क्लॉड डायपर्स कलेक्शन एंड इंसर्ट कलेक्शन। वो सब एक सेपरेट वीडियो में आएगा और वो भी पाइपलाइन में है। तो एज ऑफ नाउ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये एट वंस मैंने नहीं खरीदा है, ओवर द टाइम खरीदा है। जब मेरी बेबी 5 महीने की थी उस टाइम पे मैंने 2 डायपर खरीदा था, वो सिर्फ मैंने रात में यूज़ करने के लिए मैंने किया था, क्योंकि वो एक लंबा टाइम हो जाता है। उस टाइम पे मैंने प्रेफर किया था कि मैं रात में क्लॉड डायपर ही पहनाऊंगी और दिन में जो था वो मैं डिस्पोजेबल यूज़ करती थी। सम टाइम पे दिन में मैं उसको डायपर फ्री टाइम जितना दे सकती थी, ओनली जो नैप टाइम होता है उस टाइम पे मैं उसको पहना के सुलाती थी, ताकि उसके स्लीप में डिस्टर्बेंस ना आए। तो जैसे बेबी अगर सुबह उठता है उस टाइम पे ऑलरेडी आप रात में जो डायपर है वो पहना के रखा है आपने, और काफ़ी लंबे टाइम के लिए पहना के रखा है, तो जब भी बेबी सुबह में उठता है तो उस टाइम पे आप उसको एक अच्छा खासा जो भी एक डायपर फ्री टाइम होता है आप वो दीजिए। लाइक बेबी फ्रेश होता है, बेबी का ब्रेकफास्ट होता है, वो सारे टाइम पे आप उसको डायपर फ्री टाइम दे सकते हो। अगर छोटा बच्चा है जिसको कि आपको बेड पे रखना है, तो आप उस टाइम पे उनको डायपर पहना सकते हो, कोई भी डे डायपर पहना सकते हो, वो 2 से 3 घंटे आराम से चल जाते हैं। उसके बाद आप अपनी बेबी को
मोस्टली क्या करते हो कि आप उसको नहलाते होंगे तो उस टाइम पे फिर आप उतार सकते हो, एंड जो बीच का जो टाइम होता है कुछ 30 मिनट्स 40 मिनट्स अराउंड 1 घंटे जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, आप उतने टाइम के लिए डायपर फ्री टाइम दे के, बेबी का लंच टाइम होता है तो लंच कराने के बाद आप वापस से एक क्लॉथ डायपर पहना सकते हो, ताकि 2-3 घंटे जब भी बच्चे का जो नैप टाइम होता है मोस्टली लंच के बाद स्टार्ट होता है तो आप उस टाइम पे एक क्लॉथ डायपर पहना सकते हो। जब बेबी उठता है उस टाइम पे आप डायपर रिमूव कर दो, फिर से बेबी को थोड़ा सा डायपर फ्री टाइम दो, और उसके बाद फिर अगर आप बेबी को नीचे लेकर जा रहे हो उस टाइम पे आप पहना सकते हो। फाइनली आता है रात का टाइम, जो लास्ट डे डायपर का टाइमिंग होता है वो आप रिमूव कर सकते हो अपने बेबी का, और उसके बाद जब डिनर हो जाता है बेबी को डिनर करा लो, एंड जो भी होता है रात का जो दूध पिलाना होता है कुछ भी होता है ब्रश टाइम होता है वो सब कराने के बाद आप उस टाइम पे पहना सकते हो। अभी मेरी बेबी जो है वो सिर्फ 2 साल की है तो समटाइम्स वो हमें कन्वे कर पाती है कि उसे पी करना है, कभी कभी वो नहीं कन्वे कर पाती, तो इसलिए अभी बहुत छोटी है वो, लेकिन अगर थोड़े बड़े बच्चे होते हैं तो वो कन्वे कर लेते हैं और या फिर वो खुद जाके पी कर लेते हैं बाथरूम में। जब वो नैप लेती थी उसी टाइम पे मैं यूज़ करती थी, या फिर मुझे अगर शाम में आउटडोर अगर लेकर जाना होता था तो उस टाइम पे मैं उसको क्लॉथ डायपर जो है वो मैं पहना देती थी। एक कॉमेंट है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं मेरे वीडियो पे, मेरे बेबी ने एक बार में पी की और एक बार में ही जो डायपर था वो पूरा गीला हो गया, आप ऐसे प्रोडक्ट को क्यों रिकमेंड कर देते हो या क्यों आप सजेस्ट करते हो, तो मैं आपको यहाँ पे मैं बार बार आपको यही डिस्क्लेमर देती हूँ कि जो कंपनी होती है वो एक स्टैंडर्ड चीज़ों को लेकर कस्टमर के सामने वो रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आपका बेबी हैवी वेटर है, अगर बहुत ज़्यादा अगर पी करता है तो उस केस में हो सकता है कि अप टू 10 आवर्स जो वो क्लेम करते हैं वो नहीं हो, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं अमाउंट ऑफ जो वो पी करते हैं वो भी बढ़ता चला जाता है। दिस ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड कीप इन माइंड। मेरी बेबी के केस में क्या होता कि समटाइम्स वो रात के बीच में ही उसका गीला हो जाता है डायपर और मुझे उस टाइम पे चेंज करना पड़ता है। बहुत सारी मदर्स हैं जो कि यहाँ भी उनको जो डायपर चेंज करती हैं वो क्लॉथ डायपर ही चेंज करती होंगी, बट मुझे पर्सनली नहीं प्रीफर करती हूँ मैं उस टाइम पे यूज़ करना, क्योंकि मुझे लगता है कि बेबी का जो नींद है वो ख़राब हो जाएगा, ये टूट जाएगा, और समटाइम्स जो है बेबी क्रैंकी हो जाते हैं और वो रोना भी स्टार्ट कर देते हैं, तो उस टाइम पे मैं क्लॉथ डायपर नहीं पहनाती हूँ। कभी कभी जब मिडनाइट जब भीग जाता है, जब गीला हो जाता है मेरे बेबी का डायपर, तो उस टाइम पे मैं डिस्पोजेबल डायपर उसको पहना देती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगी कि आप 3 डे डायपर जो है आप वो दिन के लिए रख सकते हैं, एंड 2 जो डायपर है वो आप नाइट टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो जो आउटर शेल होता है वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, और डायपर का जो इंसर्ट होता है उसको सूखने में टाइम लगता है, जो कवर होता है कवर बहुत जल्दी सूख जाता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि इंसर्ट नहीं सूखा है तो आप एडिशनल इंसर्ट आप अपने पास रख सकते हो, तो वो आपके टोटली यूज़ पे है कि आपको कितने सारे लाइक इंसर्ट आपको यूज़ करने हैं वो सब आप देख सकते हो। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज क्लॉथ डायपरिंग। क्लॉथ डायपरिंग जो है वो थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं अपने बेबी के लिए। आप जितना जल्दी क्लॉथ डायपर यूज़ करना स्टार्ट कर दो उतनी अच्छी बात है, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको यूज़ कर पाओगे और एक अच्छा प्रोडक्ट यूज़ कर पाओगे अपने बेबी के लिए। सो आई होप कि आपकी जो क्वेरी है वो रिजॉल्व हो गई होगी इस वीडियो में। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कुछ क्वेरी आती है डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो स्क्रीन पे है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो मेक श्योर कि यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आप मुझे कोई टॉपिक अगर सजेस्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग क्लॉथ डायपरिंग बेबी केयर रिलेटेड किसी टॉपिक पे मैं वीडियो मुझे बनाना चाहिए तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।